हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। अब के पाठक लेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हाजिरी खबर। वेतन भुगतान के लिए रखी गई ये शर्त। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज के प्राचार्यों को 25 और 27 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग खुद कर्मियों और शिक्षकों की हाजिरी पर नज़र रखेगा, जिसके बाद पेमेंट होगा। जी दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। के राजभवन और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ के पाठक के विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की हाजिरी की रिपोर्ट हर माह शिक्षा विभाग के पास आएगी। इसी आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान होगा। बिहार के राजभवन और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ के पाठक के बीच विवाद ने नया फरमान जारी किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेज की हाजिरी की रिपोर्ट हर माह शिक्षा विभाग के पास आएगी। इसी आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान होगा। करने की विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। नई व्यवस्था को लागू करने की विभाग की तैयारी जो है अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चरण पर है। इस बाबत विभाग की ओर से हर विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्राचार्यों को 25 और 27 मई को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मालूम हो कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि भेजता है। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से अपने उनके अधीनस्थ कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान किया जाता है। इस व्यवस्था को विभाग ने बदलने का निर्णय ले लिया है। इसी के आलोक में विभाग ने एक नया पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का हर माह का हाजिरी की विवरणी विभाग को प्राप्त होगी। पोर्टल का उपयोग किस तरह से करना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है, इस तरह की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को विभाग ने बुलाया है। जी दोस्तों, एक नया पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर माह का हाजिरी की विवरणी विभागों को प्राप्त होगी। पोर्टल का प्रयोग किस तरह से करना है, उपयोग किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है, इस तरह की जानकारी के लिए विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों और कॉलेज के प्राचार्यों को विभाग ने बुलाया है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह है व्यवस्था। विश्वविद्यालयों और उसके अधीन कॉलेजों को वेतन भुगतान का माध्यमिक विभिन्न राज्यों से अलग अलग है। झारखंड में राज्य सरकार संबंधित विश्वविद्यालयों को राशि देती है। इसके बाद विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षकों कर्मियों के खाते में वेतन राशि का भुगतान होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के उच्च निदेशक के माध्यम से विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों के खाते में सीधे वेतन भुगतान होता है। नई व्यवस्था सुधार का कदम नहीं, विरोध में कुलपति। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद ने कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन पेंशन की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था लागू करना सुधार का कदम नहीं होगा। यह विश्वविद्यालयों की गरिमा को धूमिल करेगा और उसकी विश्वसनीयता को भी कमजोर करेगा। पूर्व से चली आ रही व्यवस्था ही बनी रहनी चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी चाहिए कि यह वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता बरते, उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर विभाग को भेज दे। अब के पाठक लेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हाजिरी खबर। वेतन भुगतान के लिए रखी गई यह शर्त। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, ऑन पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।